नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे देश में चुनावी दौर चल रही है जिसमें सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के लिए छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े महानगरों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमने अक्सर ये देखा है कि शहरों और महानगरों में गांवों की तुलना में अधिक शिक्षित लोग पाए जाते हैं जो नेताओं के द्वारा उनके मुद्दों को लेकर मिसलीड नहीं हो पाते हैं। लेकिन क्या आपने ये गौर किया है कि गांव के लोग अक्सर इस मामले में मिसलीड क्यों हो जाते हैं? दरअसल इसके पीछे अनेकों कारण होते हैं। नंबर वन, झूठी वादे। जब चुनावी प्रचार में नेता लोग गांव में जाते हैं तो वो वोटर के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिसे पूरा करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन लोगों को उन वादों पर विश्वास दिलाते हैं। नंबर टू, धन का प्रयोग। गाँव में नेताओं एवं उनके कार्यकर्ता वोट के लिए या किसी अन्य बेनिफिट के लिए लोगों को पैसा या किसी अन्य सामग्री से इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे गांवों के भोले भाले जनता उनके पार्टी को वोट या सपोर्ट करते हैं। नंबर थ्री, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव। गांवों में लोगों को धर्म या जाति के आधार पर बांट देते हैं जिससे उनका साथ मिल सके और उनका वोट मिल सके। नंबर फोर, मीडिया और प्रोपेगेंडा। नेताओं के साइबर सेल मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू फेक न्यूज या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाते हैं जो लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जाती है। नंबर फाइव, शोर शराबा और गुलामी। चुनाव के समय ज्यादा से ज्यादा शोर शराबा करके और लोगों को इन्फ्लुएंस करके गलत डिसीजन लेने पर मजबूर किया जाता है। इस मिसलीड से बचने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों पर ध्यान देनी होगी। नंबर वन, शिक्षा और जागरूकता। लोगों को अपने हकों और जिम्मेदारियों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एजुकेशन और अवेयरनेस से उनका मिसलीड होने का रिस्क कम हो जाता है। नंबर टू, सच्चाई की जांच। लोगों को इलेक्शन के दौरान सुनी सुनाई बातों या फेक न्यूज पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। इसके साथ हमेशा सच्चाई की जाँच करे और क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन ले। नंबर थ्री, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल। लोगों को अपने सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, इससे वे अपने फैसलों को सही तरीके से समझ सकते हैं। नंबर फोर, व्यक्तिगत जानकारी। लोगों को अपने क्षेत्र के नेताओं और उनके एजेंडाओं का व्यक्तिगत अध्ययन कराना चाहिए, इससे वे उनके वादों और पॉलिसी को अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर फाइव, सामाजिक सक्रियता। लोगों को अपने समाज और राजनीति में सक्रियता दिखानी चाहिए, इससे वे अपने मसलों पर स्वाभिमान से निर्णय ले सकते हैं और मिसलीड होने से बच सकते हैं। ये सारी बातें एक नई समाज और नई दिशा की ओर ले जाएगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।